today our topic is guarantee of a profit to a partner. तो बेटा इस टॉपिक के अंदर क्या है, ये जो टॉपिक है ये पार्टनरशिप फंडामेंटल जो हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर है अकाउंटेंसी का, तो उसका ये लास्ट टॉपिक है। तो ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है यहाँ पे। इसके अंदर अगर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँ तो क्या होता है, देखो बेटा कई बार बिजनेस के अंदर कुछ पार्टनर हैं, मान लीजिए ये मैंने नाम लिखे हूँ यहाँ पे सीता और गीता, तो पार्टनर है। इन पार्टनर को लग रहा है कि बिजनेस के अंदर अपने को कुछ कैपिटल की जरूरत है और कुछ एक स्किलफुल पर्सन की अपने को जरूरत है। हो सकता है वो किसी नए पार्टनर को कहें कि आप हमारे बिजनेस में आ जाओ, हो सकता है उनका कोई खुद का मैनेजर हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, और वो उसी को पार्टनरशिप ऑफर करने जा रही है। तो जब उसको ऑफर करेंगे तो नया पार्टनर या मैनेजर है तो वो ये सोचेगा एक बार के लिए कि भैया ये मेरे को पार्टनरशिप क्यों दे रहे हैं, या फिर मैं अगर मैनेजर है तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी ले रहा हूँ, वो सैलरी मेरी पर मंथ की चली जाएगी, मेरे को इतना ज़्यादा कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए तो यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। तो उस पोजिशन के अंदर ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये उस नए पार्टनर को एक गारंटी के तौर पे एक मिनिमम प्रॉफिट की उसको गारंटी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हम आपको चाहे बिजनेस में लॉस हो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो हम आप लोगों को इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, जो भी उनका डिपेंड करता है पार्टनरशिप डील के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी वो रखने वाले हैं उसके अंदर वो रहने वाला है। अभी देखिए बेटा क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लीजिए इन्होंने बिजनेस, ये सीता और गीता है और इन्होंने बिजनेस के अंदर नया पार्टनर ले आए लता। अब लता को बिजनेस में लेके आए, मान लीजिए इन फ्यूचर लता का जितना इन्होंने गारंटी दिया था वो पूरा नहीं हुआ प्रॉफिट और कुछ कमी रह गई, मान लीजिए 50,000 रुपए की कमी रह गई, वो अभी डिपेंड ये करता है कि जो 50,000 रुपीज है उसकी डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, सीता करेंगी गीता करेंगी दोनों करेंगे। देखो बेटा ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप के ऊपर, अगर तो पार्टनरशिप में बोला गया है कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे कि हो सकता है अकेला यही करे, हो सकता है ये करें अकेली, हो सकता है ये दोनों करें मिलकर इक्वल रेशो में, हो सकता है जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग करें, तो इस प्रकार की बहुत सी स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकती हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड इस चीज के बारे में साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं लिखा गया, तो ये दोनों अपने ओल्ड रेशो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहने वाला है उसके अंदर ये उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, सहन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, एक अपने टॉपिक ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए मान लीजिए सीता है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, इसका 3, और लता का मान लेते हैं 2। ये नया पार्टनर बिजनेस के अंदर है और इन्होंने सीता और गीता ने लता को एक मिनिमम गारंटी ऑफर कर दी और वो है 1,00,000 रुपीज की, कि लता जी आपको 1,00,000 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इनको ज्यादा प्रॉफिट हो गया लता को, तो बेटा उसका जो पहले वाली जो पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाई हुई है उसका फिर कोई मतलब नहीं है, फिर उसको ज्यादा मिलेगा। अगर मान लीजिए 1,30,000 इसका प्रॉफिट बन रहा है जो साल के अंदर में प्रॉफिट हुआ है और इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा 1,30,000 ही इसी को दिया जाएगा। हाँ ये पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है, अगर उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो हम वापस ले लेंगे, क्योंकि इनको भी तो इनकी प्रॉफिट भी तो कम नहीं होना चाहिए ना, तो ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, लता को 1,00,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट का इन्होंने गारंटी दे दिया और मान लीजिए साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 4,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया साल के एंड। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस प्रकार से करेंगे, तो बेटा आप लोग बताइए कि जितना भी साल के एंड में प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कहां पे जाके करते हैं बताइए आप लोग, नीचे जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है तो बिल्कुल सही है बेटा, तो ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है वो कितना कितना करेंगे। देखिए अब इसका वर्किंग नोट है, सीता को प्रॉफिट कितना मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, 4,00,000 × 5/10 ओके कितना होगा भाई, 2,00,000 रुपीज, 2,00,000 रुपीज के इसको प्रॉफिट मिलेगा। गीता को कितना मिलने वाला है, गीता को अगर मैं बात करूं 4,00,000 × 3/10 तो ये कितना हो गया भाई, 1,20,000
बिल्कुल सही है। अभी इसके बाद कौन है? लता। तो लता को कितना मिलने वाला है? 4 lakh into 2 upon 10, तो ये हमारा बन जाएगा 80,000। अभी आप ये देखिए कि जो लता को इन्होंने गारंटी दिया था वो कितना दिया था? 1 lakh rupees का, और इसका प्रॉफिट आया कितना? 80,000 का। तो डेफिशिएंसी कितने की हुई? तो ये जो डेफिशिएंसी हुई है बेटा 20,000 की। अब इसको कौन बियर करने वाला है? इसको बियर करने वाले हैं सीता एंड गीता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड इसके बारे में साइलेंट है, कुछ बोला नहीं गया कौन कितना, या अकेला सीता गीता करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सीता विल बियर, हम लिखेंगे यहां पे सीता विल बियर डेफिशिएंसी, मैं एब्रिविएशन के अंदर लिख रहा हूं स्पेस और टाइम की शॉर्टेज की वजह से, 20,000 इनटू 5 upon 8। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आप लोग, कितने में जाएगा? ये जाने वाला है भैया, ये गया 4 पे, इधर आ गया 10,000 एंड इधर 2 5 2500 आ गया। एंड गीता इसका कितना बियर करेगी? गीता बियर करेगी 20,000 इनटू 3 upon 8। ओ ये आगे भी पेंडिंग है अभी, तो ये हमारा आ जाएगा आई थिंक 12,500। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी ये कितना गया? 2500 एंड ये आ गया 7500। तो चलिए मैं ये जो डेफिशिएंसी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इस डेफिशिएंसी को एक बार उधर लिख देता हूँ। ठीक है, सीता का कितना है? 12,500 एंड गीता का कितना है? 7500। चलिए अभी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगी। अगर बाहर आती भी है तो बेटा एक बार आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लोगों को वो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। यहाँ पे जो आइटम्स लिखी जानी है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो जरूर लिखनी ही लिखनी है। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये कहाँ से लाया गया है? ट्रांसफर फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट। हाउ मच? दैट इज 4 lakh rupees। अब इस 4 lakh को मैं क्या करूंगा, इधर नीचे ले जाऊंगा 4 lakh एंड इसको इस तरफ ले आऊंगा 4 lakh। अभी इस 4 lakh को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन सीता गीता लता। देखिए सीता को कितना दिया जाएगा? 2। सीतास कैपिटल अकाउंट में जाता है ये सारा का सारा ना, तो कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? देखिए अभी जाना चाहिए था इसका 2 lakh, 2 lakh बोला था ना, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग तो 2 lakh आ रहा है, लेकिन यहां 2 lakh नहीं जाएगा, इसकी कुछ डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी कितनी है? 12,500, वो इसका कम मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, कितना जाना चाहिए? ये जाना चाहिए हमारा 2 lakh। अब बेटा इस 2 lakh में से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे? लेस ट्रांसफर टू कौन है? लतास अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, स्पेस की कमी है। कितना आ जाएगा? 12,500 डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखूंगा बेटा? 2 गीताज कैपिटल अकाउंट। देखो ये तरीका है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो तरीका आप लोगों ने जरूर समझना है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने तरीके से कोई भी लिख दोगे, नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से लिखोगे पूरे मार्क्स आप लोगों को तभी इस क्वेश्चन के मिलने वाले थे। तो इसका कितना है? 1 lakh 20,000 एंड लेस यहां से क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसफर टू टू लताज अकाउंट, लताज अकाउंट। हाउ मच? और इसमें चला जाएगा
7500, तो जितना भी इसका माइनस करने के बाद में आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद में आ जाएगा टू सब इस यहाँ आ जाएगा टू लताज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा लताज कैपिटल अकाउंट बनता कितना बेटा देखो 80,000 बनता है, तो 80,000 नहीं इसको देना कितना है 1 लाख देना है, देगा कौन बाकी बाकी देगा सीता देगी एंड गीता देगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे फ्रॉम या लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम या फिर फ्रॉम सीताज अकाउंट, सीताज अकाउंट से कितना मिला इसको ये 12,500 एंड फ्रॉम लता सॉरी ये गीताज अकाउंट, फ्रॉम गीताज अकाउंट, गीता के अकाउंट से कितना मिलेगा 7500, तो इन दोनों का जोड़कर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 लाख हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो इनका भी पूरा जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 4 लाख हो जाएगा। तो ये था बेटा एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक, गारंटी ऑफ पार्टनर टू ए सॉरी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर कि किस प्रकार से इसको हम लोगों ने सॉल्व आउट करना होता है। तो अभी आप लोगों ने बेटा इसके स्टेटमेंट को जरूर समझना है, जितने भी आपके अनसॉल्वड आपके इस चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन काफी दिए होंगे क्वेश्चन और उन हर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट चेंज करी होगी, किस प्रकार से कभी तो बोलेगा कि अकेली सीता ही दे रही है डेफिशिएंसी को बियर कर रही है, कभी बोलेगा अकेली गीता ही उसको बियर कर रही है, या फिर ये बोलेगा इनकी देखो ओल्ड रेशियो कितना 5:3 है, लेकिन वो बोल सकता है कि ये दोनों सीता और गीता जितनी भी डेफिशिएंसी होगी उसको 2:1 की रेशियो में 3:1 की रेशियो में या इक्वल रेशियो के अंदर उसको बियर करेंगे, तो बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है समझना है क्वेश्चन को फिर आप लोगों ने करना है। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, फिर भी आप लोगों को बेटा इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9050806442 इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप मेरे से ये जो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस